कोचिंग हादसे के बाद पटना प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। सेफ्टी जांच में खामियां पाई जाने के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया गया है। खान सर ने जांच दल को जल्द इन कमियों को दूर करने का हालांकि भरोसा दिलाया। पटना डीएम ने कोचिंग संचालकों के साथ इस दौरान बैठक की। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनकी जांच कराई जाएगी। खान सर नाम तो सुना ही होगा, बिहार में कोचिंग की दुनिया के बहुत बड़े चेहरा हैं खान सर। ज्ञान बांटते न जाने इनके कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, लेकिन दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जब पटना जिला प्रशासन ने सेफ्टी की जांच की तो खान सर की खान जीएस कोचिंग सुरक्षा मानकों के पालन में फेल हो गई। जिला प्रशासन की जांच में खान जीएस कोचिंग में कई कमियां पाई गई। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा था, कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, एंट्री और एग्जिट के भी बेहतर इंतजाम नहीं दिखे, सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बायलॉज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच के बाद जिला प्रशासन ने खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया है और कोचिंग के बाहर बंद रखने का नोटिस भी चिपका दिया गया है। वैसे खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल है कि जब इतने नामी कोचिंग में इतनी अनियमितता पाई गई तो बाकी कोचिंग संस्थानों की क्या दशा होगी? नियमों का पालन न करने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई के मूड में है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच की जाएगी। इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। डीएम ने कोचिंग संचालकों को एक महीने में सभी तरह की कमियों को दूर करने का समय दिया है। अगर एक महीने में व्यवस्था नहीं सुधरी तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पूर्णिया में 5 दिन पहले